तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इदरीशी बटन स्टोर। तो आज हम पेश कर रहे हैं आपके लिए कुछ ख़ास जो कि इस समर सीज़न के लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ है। जैसा कि मैं आपको दिखाऊं, ये मेरे हाथ में जो आप पैकेट देख रहे हैं, ये छोटा सा पैकेट जो कि हमें यहाँ से गार्डनिंग जोन से हमें मिला है ये। और ये देख सकते हैं, ये गार्डनिंग जोन है। यहाँ पर ऑल टाइप्स सीजनल सीड फ्लावर और वेजिटेबल सीड्स अवेलेबल रहते हैं। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में मैं इनका नंबर, कांटेक्ट और इनकी जो एप्लीकेशन है, क्या किस चीज़ के सीड अवेलेबल हैं, किस रेट में है, बहुत चीप रेट में है। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था, जो कि आप जैसे स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जर्मिनेशन था पिछली वाला, जो मैं आज ही आपको शूट करके दिखा रहा हूँ। तो आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा है, आप इसको देखिए। और कुछ जो अभी पिछले महीने जो लगाए थे सीड, वो सारी जर्मिनेशन है और काफ़ी अच्छे से जर्मिनेट हुआ है। लगभग 90% से लेके ऊपर ही जर्मिनेशन रहा। तो देखिए, आप एंजॉय करिए इसको, कितना अच्छे से मतलब जो है इसका जर्मिनेशन रेट हुआ है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं। आइए, ये अब हमारा आ गया है पैकेट। पैकेट में जो देख सकते हैं आप, हमारा जो हमें भास्कर शर्मा जी ने भेजा है, ये 500 रुपये इसकी क्वांटिटी है और क्वालिटी मतलब प्राइस इसकी 500 रुपये की है। तो इसको खोल करके देख सकते हो किस किस चीज़ की सीड है ये हमारे पास। और ये अभी गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं और इस टाइम पर अभी सीड लगाने का बहुत ही बढ़िया समय है। और आप जल्दी से झट से जो है इनसे क्या किसी से भी खरीद सकते हैं आप। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि आप इनसे ही परचेज करें, पर इनसे ये मैं रिकमेंड करूंगा, क्योंकि इनका जो जर्मिनेशन रेट है काफ़ी अच्छा है और सीड का जो प्राइस है वो भी काफ़ी चीप है। 30 रुपये से लेकर के आपको जो है 40, 50, 60 रुपये तक मिल जाएगा। तो आप पैकेजिंग देख सकते हैं, आप काफ़ी अच्छे से की हुई है इन्होंने। इनका कॉन्टैक्ट नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और देखते हैं कि किस तरीके के इन्होंने सीड हमें जो है दिए हैं और अब हम इन्हें लगाने वाले हैं। ये देख सकते हैं, ये हाउ टू ग्रो सीड। इन्होंने ये एक छोटा सा मतलब जो है, आप इस वीडियो को पुश करके देख सकते हैं, पढ़ करके, छोटा सा इंस्ट्रक्शन दे रखा है आपको समझाने के लिए कि किस तरीके से आप सीड को ग्रो कर सकते हैं। इसको पढ़ लीजिए और आप फिर सीड को लगा लीजिए, अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। चलिए और चलते हैं हम अपने सीड्स की ओर, और सीड दिखाता हूँ मैं आपको। काफ़ी सारे सीड्स हैं मेरे ख्याल से इसके अंदर और पैकेजिंग भी काफ़ी शानदार है। तो मैं इन सारे सीड्स को निकाल लेता हूँ यहाँ से। ये देखिए, ये मैंने निकाल लिए हैं और ये सीड देख सकते हैं, काफ़ी सारे पैकेट्स हैं इसके अंदर, जो कि भास्कर जी के यहाँ से हमने लिए हैं। ये भास्कर जी ने हमें दिए है। तो इसकी जो पैकेट की जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी शानदार है। देख सकते हैं इसकी पैकेट की क्वालिटी, पहले मैं आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर सीड भी माशाल्लाह काफ़ी, लगभग इसमें देखिए एक चीज़ इन्होंने अब एक और काम अच्छा करा है कि गार्डनिंग जोन इन्होंने अपना देख रखा है और प्रीमियम क्वालिटी का सीड। ये वाकई में इनके पास क्वालिटी का सीड मिलता है। आप चाहे फ्लावरिंग सीड ले लीजिए, चाहे आप वेजिटेबल सीड ले लीजिए। तो अब मैंने जैसे कि ये जीनिया का डहलिया ऑरेंज कलर का है, और इन्होंने जो है सबसे बड़ी आसानी ये करी है कि इसके सीड के पैकेट के ऊपर ऊपर लिख रखा है कि ये 20 सीड है, 20 सीड इसके अंदर अवेलेबल हैं। तो चलिए मैं आपको वन बाई वन दिखा देता हूँ। और इसके पैकेजिंग भी काफ़ी शानदार है, जिसमें कि सीड जल्दी ख़राब नहीं होगा। तो आपके पास जब भी पहुँचे तो आप जो है इसको फटाक सीने लगा दें। ये देखिए, ये सीड हैं और इनकी क्वांटिटी जो उन्होंने भाई ने मेंशन की थी 20, तो 20 तो प्लस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये लगभग 30 सीड हैं। लिखे 20 हैं पर 30 हैं, ये प्लस पॉइंट है। आप जो है यहाँ से ज़रूर से परचेज करें, क्योंकि इनका जो सीड की क्वालिटी है वो वाकई बहुत अच्छी। और ये एयर टाइट लिफाफा है, जो कि अभी मैं हालांकि इनको लगाने वाला नहीं हूँ, मैं लगाऊंगा 2-4 दिन के बाद, जब इनका रिजल्ट आएगा तब मैं आपके साथ ज़रूर से शेयर करूँगा। तो आइए अब ये देखिए, ये मेरा कौन सा वाला इन्होंने दिया, जीनिया डहलिया, ये वाला हमारा था ऑरेंज, और ये वाला दिया है भाई ने हमको वाइट कलर का। तो इसकी भी सीड की जो क्वांटिटी है वो 20 सीड है, और इसकी जो कॉस्ट रहने वाली है कुल 30 रुपये से भी कम, 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये तक, इस तरीके से इनकी जो है, जैसे कि मैं बताता हूँ, काफ़ी कम रेट में इनका रहता है। ये जीनिया डहलिया, और इसको जो है इल्यूमिनेशंस और डीप रोज़ बोलते हैं, और इसकी भी क्वालिटी
क्वांटिटी जो है 20 बीज इसके अंदर अवेलेबल है। ये हमारे तीन, और ये हमारा फिर से गार्डनिंग जोन का प्रीमियम क्वालिटी सीड, इसी तरीके से जीनिया डहलिया पर्पल कलर का है, इसके अंदर भी 20 सीड है। और ये भी हमारा जीनिया डहलिया येलो कलर का है, जो के अंदर 20 सीड हैं। ये हमारा विनका फर्स्ट किस बुश 15 सीड्स, ये देखें विनका। आप, मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा, आप गूगल पे अगर आप जैसे पहली बार अगर इस चीज़ को ग्रो करना चाहते हैं, या आप पहली बार परचेस कर रहे हैं या लगा रहे हैं या सोच रहे हैं, तो पहले आप इसके नाम को जो है, इसके फ्लावर कैसा होता है और इसकी प्लांट की क्वालिटी कैसी होती है, वो आप गूगल पे सर्च करके इनका नाम डाल करके देख सकते हैं कि किस तरीके का जो है प्लांट होता है, फूल किस तरीके से होता है इसका। ये विनका रेली रेड है और इसके भी 15 सीड हैं। और देखिए गार्डनिंग जोन का है, इनका सनफ्लावर है टेडी बियर, 13 सीड हैं इसके अंदर। ये जो सूरजमुखी जिसे बोलते हैं वो है, और ये इसका मुझे गॉमफ्रेना स्ट्रॉबेरी 10 सीड इसके अंदर अवेलेबल है। ये किस तरीके का स्ट्रॉबेरी, मतलब गॉमफ्रेना है, बहरहाल इसको जो है मैंने अभी तक नहीं सुना है, इसका मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। ये भाई ने जो हमें दिए, भास्कर जी ने, और पिछली बार के मुकाबले इस बार बहुत अच्छा डेवलपमेंट इन्होंने किया है, काफ़ी काम कर रहे हैं ये अपने प्रोडक्ट के ऊपर। और देख सकते हैं ये कॉस्मोस है, और ये 15 सीड इसके अंदर अवेलेबल है। और बाकी ये हमारा ऑर्नामेंटल कॉर्न है 10 सीड। ये क्या चीज़ होती है ये मुझे भी नहीं मालूम, कॉर्न कॉर्न क्या होती है, भुट्टा होता है मेरे ख्याल से, भुट्टा जिसे बोलते हैं, पॉपकॉर्न जिसकी बनती है शायद, मेरे ख्याल से ये वही वाली है, मगर इसके अंदर ये कलरफुल है शायद, मेरे ख्याल से हाँ वही है सीड की, उससे पता चलता है ये 10 सीड हैं। ये है जुचनी, जुचनी 125 सीड। ये क्या चीज़ है, ये शायद खीरा है, ककड़ी है, क्या तुरई है, इस टाइप का कुछ है। फिलहाल ये भी इसके 112 सीड हैं, ये 125 सॉरी देख रहे हैं, पर 12 सीड्स हैं, तो इसको भी हम करते हैं वन साइड। इसके कोकुम्बर देख सकते हैं, ये हमारा कोकुम्बर तो समझते ही हैं, हम भी थोड़ा बहुत जानते हैं कोकुम्बर। कोकुम्बर बोलते हैं खीरे को, जो कि अब उसका काफ़ी अच्छा समय है, ये 13 सीड इसके दे रखे हैं कोकुम्बर के, तो इसको भी करता हूँ वन साइड। और ये 155 सीड लॉन्ग मेलन, यानी कि ये ककड़ी का बीज है, लॉन्ग मेलन ककड़ी, जो कि मेरे पास पहले थी, बहुत अच्छा लगता था जब मेरे गार्डन में लगी हुई थी, मतलब एक कंटेनर में लगा रखी थी। और ये लास्ट में हमारा है बीन्स लॉन्ग, ये क्या आ गया, ये तो हमारे कैमरामैन की फेवरेट सब्जी है भाई। भाई भास्कर जी आपको मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने ये लास्ट में ये वाला जो पैकेट रखा है, ये हमारे कैमरामैन की जो है फेवरेट जो है इसकी रेसिपी है और सब्जी, इसे काफ़ी टाइम से याद भी कर रहे थे हमारे कैमरामैन। खैर ये आपके माध्यम से मिल गई है, तो इसको मैं बहुत जल्दी लगाऊंगा, हो सकता है कल लगाऊँ, कल ही लगाऊंगा मैं इन सारे के सारे सीडों को, और मैं इसके बाद आपको लगाने का और पूरा अपडेट वीडियो दिखाऊंगा, क्योंकि किस तरीके से आपको जो है लगाना है और किस तरीके से इसका जर्मिनेशन हुआ है, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में इसी की। और बाकी आपने जो वीडियो पहले देखा है, इनका जो जर्मिनेशन रेट था वो काफ़ी एक नंबर का जर्मिनेशन रेट है। और ये देखें इतने ढेर सारे पैकेट इन्होंने हमें दिए हैं, तो गिनती लगा करके भी आपको बता दूँ कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 30 रुपए के हिसाब से भी अगर लाएंगे, 15 30 45, 500 रुपये की इन्होंने जो है रेट डाली हुई है, 15 30 45, 450 रुपये, 50 रुपये कोरियर चार्जेस, ऐसे समझ लीजिए। तो काफ़ी सस्ता और अच्छा रेट इनके पास मिल जाएगा सीड का, और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा, आप वहाँ जा करके संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।